दो तीन दिनों का एक मसला उठा जिद मेरा ना लग रहा। वैसे तो जी पंजाबी का गाना एवं रौला पै गया, गल कोई एडी है नहीं सी जिड्डी गल बन गई है। वजीर एक दूजे के घर आते जाते रहते ने, चनी जी मेरे घर दो तीन बार पिछले दिनों आए ने, मैं गया उन्होंने घर, पर अनफॉर्चुनेटली गल होर पासे में चली गई। मैं जिंदगी कदे सोच ही नहीं सकता वह मैं किसी नूं कोई दाबा मारांगा जां ड्राउन जावांगा। ड्राउंदा जां दाबा वह मारदा जिहदा कोई अपना एम होए, जिहदा कोई अपना निशाना होए। चनी जी मेरे कलीग ने, मेरे लीडर रहे ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, सत्कार योग ने, मैं अज भी उन्हां दा सत्कार करना। पता नहीं क्यों ये गल बाहर निकली है, जो गल हुई है ऐसी जी कोई गल नहीं, मैं कदे भी नहीं यहोजा को उन्होंने गल की उन्होंने शान के खिलाफ जा उन्होंने डराउन की गल यहोजी कोई गल नहीं हैगी। जे फिर भी कोई गल किसी के मन च हैगी है तो सुनील जाखड़ जी साडे प्रधान ने सानू दोवां सद लैन बिठा के पुछ लैन, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी साडे चीफ मिनिस्टर ने जाओ दोवां नू सद के पुछ लैन जिहड़ी गल होएगी जां जिहड़ा शंका जां चन्नी जी दे मन च जे कोई मेरे बारे कोई गल आई है तो अहीं बह के उन्हां दे सामने अपना मैं स्पष्टीकरण दे देंगा। पर मैं कोई इहो जी गलत गल जां उन्हां दाबा बनाने की गल नहीं कीती। मैं सोच नहीं सकदा मेरा कलीग है, मैं उस भले मास चंगे बंदे नूं मैं क्यों दाबा मारना। सो ये गलत प्रचार हो रहा है। दलित लीडर नहीं, मैं दलित लीडर क्यों दबाना, चंगा साथी है मेरा तो लीडर का पोजिशन रहा है, मैं उसके सत्कार करना सिर झुका। बाकी जो जोगिंद्रपाल जी ने एम एल ए साहब ने भोए वाले ने गल की है वो साड़ी गुरदासपुर की सियासत है, कुछ शायद चन्नी होर का इन्ना रोल ना हो जिन्ना गुरदासपुर की सियासत है, वो साडे शहर की सियासत है, वो चलती रही है तो हुण भी चलती रहनी है। बाजवा साहब जिस तरह से कैबिनेट में ये बात शुरू हुई थी तो वो बढ़ती बढ़ती यहाँ तक आ पहुंची। कैबिनेट देखो कैबिनेट का डिसीजन होया सी भी कैबिनेट इकट्ठी फैसला करेगी। अज भी मैं इस गल ते खलोता मनप्रीत जी चन्नी जी नाल गल हुई सी, कल तलखरामी हुई सी, अज भी जो दोए जने करनगे मैं उन्हां दे नाल ही खलोता। कैबिनेट का फैसला इकट्ठा वा, जे वह किसी नूं माफ़ करनगे उन्हां दी मर्जी, जे नहीं उन्हां दी तसल्ली तां अज भी मैं कैबिनेट दे नाल ही खलोता। पर जो कैबिनेट फैसला होया की सी बड़ा एलिगेशन इह लग रहा है वी चन्नी साहब नूं तुसीं कहा कोठी च जा के वी आई ए लॉबी जिहड़ी इकट्ठी हो गई है मैं नहीं गल कही जी, मैं हजे कोई गल नहीं, पर मैं फिर भी कहना भी गल्लां मेरियां जां थोड़ियां टीवी सामने स्पष्टीकरण की मैनूं लोड़ नहीं। मेरे सुनील जाखड़ जी प्रधान ने मैनूं सद लैन जां कैप्टन साहब सद लैन भी की गल हुई, मैं उन्हां नूं सब कुछ दस्सां। अच्छा तृप्त जी, हुण तक कोई जो तुसीं कह रहे हो सीएम बुला लैण प्रधान बुला लैण, हुण तक कोई इनफॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन किसी नाल होया? चन्नी नाल बाद चो कम्युनिकेशन होया इस गल तो बाद मेरी किसी ना मुड़ के गल नहीं हुई, कोई गल नहीं हुई, ना सुनील जी ने मेरी गल हुई, ना कैप्टन साहब ने मेरी गल हुई है। पर फिर भी जे कोई मैनूं सद के स्पष्टीकरण मंगेगा मैं तैयार। बाजवा साहब जिस तरह से मनप्रीत बादल के साथ पहले दिन से मनप्रीत बादल और चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या बातें कही थी कैबिनेट में के बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक पहुंची? वो थोड़ा जा चीफ मिनिस्टर साहब ना तलख चीफ सैकटरी साहब ना तलख कलामी हो गई सी, उहदे विच मनप्रीत जी उठे, फिर चन्नी उठे, सारी कैबिनेट उन्हां नाल उठिया। जे मेरे मन च गल हुंदी फिर मैं चन्नी साहब नाल दे मगर क्यों उठता फिर मैं? लेकिन आपको लग नहीं रहा कि जो मंत्री हैं जिस तरह से शराब का मसला उठा था तो शराब के मसले के बाद जिस तरह से घाटा भी पड़ा है तो मंत्री भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है सरकार की पॉलिसियों को लागू करवाने के लिए? चलो वो वखरा इशू है जी, वो गल वखरी है, वो पॉलिसी मैटर है जिहड़ा मैनू एक्साइज का बहुत पता नहीं है। मैं कदे कोई शराब का ठेकेदार नहीं रहा ना गलबात, मैनू उस गल की पूरी समझ नहीं। वो मनप्रीत जी जानते ने जां शायद चन्नी जी समझ आऊगी, मैं उस गल की समझ नहीं। देखो मैं मेरी सुनो गल, मैं जमांदरू कांग्रेसी हाँ,
ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖਲੋਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਸੀਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਸਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਿਪਿਊਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੂੰਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ?
कि दलित वर्सिज जट जिहड़ी कहानी बनाई जा रही सी उहते तृप्त बाजवा ने सब तो वड्डी गल इह कही है कि साडे तां कांग्रेस पार्टी च मैं बहुत लंबे समय दा ते कांग्रेस पार्टी दे अंदर कोई भी लीडर कोई भी जिहड़ा जनरल लीडर आ उह कदे दलित भरावां तों बिना अगे नहीं वध सकदा ते दलित साडे भरा ने असल च इसे चीज़ के उत्ते क्योंकि पोलराइजेशन करन दी कोशिश आ क्योंकि इहदे ते दलित वर्सिज जनरल जिहड़ा पोलराइजेशन कैबिनेट के अंदर भी होना सी इहदे तों बाहर भी होना सी और उहदियां कोशिशां वख-वख तरीके दे नाल पोलिटिकली हुंदियां ने क्योंकि पंजाब दे अंदर दलितां दी आबादी 35% दे नेड़े आ ते एक पंजाब दी सियासत दे अंदर इह कहा जांदा कि आउण वाले 10-15 सालां दे अंदर पंजाब दा चीफ मिनिस्टर जट हो सकदा। डेमोक्रेसी दे अंदर एक बेसिक चीज़ हुंदी है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, यानी जिन्नी किसी की गिणती है उस आधार के उत्ते पार्टिसिपेशन मिले तो पंजाब दे अंदर सब तो वध जिहड़ी गिणती है वह दलितां दी है। जट्टां दी गिणती पंजाब दे अंदर 22-23% दे नेड़े आ, OBCs की गिणती खिंडी हुई है, बाकी कास्टा की गिणती वख-वख तरीके नाल सब तो वजमी आबादी है जिहड़ी पंजाब दे अंदर वह दलित भाईचारे की है। तो किते ना किते सियासत नूं सिर्फ तृप्त बाजवा वर्स चन्नी नहीं देखा जा सकता, इस सियासत दीआं डूंघीआं जड़ां इत्थे पईआं ने कि आउण वाले दिनां दे अंदर पंजाब की दलित राजनीति किस दी होएगी। उही सुपना बह के चरणजीत चन्नी देख रहे ने किते ना किते क्योंकि उहदे च वी दलित लीडर किहड़ा उभर के आउंदा क्योंकि अगे दलितां दे अंदर भी सब कास्ट ने, वह सब कास्टा के अंदर किहड़ा एक वड्डा लीडर दलतों के प्लेटफार्म से उभर के आता उतों ही इस चीज़ में देखने की लड़ आ। असल राजनीतिक मायने सिर्फ इन्ने नहीं है कि तृप्त बाजवा ने की कहता ज चन्नी ने की कहता, ये राजनीतिक मायने ये ने कि आने वाले दिनों के अंदर पंजाब की जी दलित पॉलिटिक्स है वो किधर नूं जांदी है, दलतों का वड्डा लीडर तो वड्डा खैरखवा कौन बनता क्योंकि चरणजीत चन्नी विक्टमाइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर पंजाब की राजनीति के अंदर जिहड़ी भी छोटी धिर हुंदी है चाहे वह मिनोरिटी होवे चाहे वह दलित होवे पछड़ियां श्रेणियां होण घट गिणतियां होण वह हमेशा विक्टमाइजेशन की पॉलिटिक्स से अपनी राजनीति खड़े करदे ने। तो राजनीतिक मतलब इस गल दा है ते आने वाले दिनों के अंदर भी इस गल दे उत्ते तुसीं देखोगे अज नहीं तो कल घमासान होर भी होएगा और 2022 तक पंजाब की राजनीति जिहड़ी चर्चा चलती है कि पंजाब का डिप्टी सीएम दलित होवे भी चर्चा चली सी पंजाब की कैप्टन गवर्नमेंट के अंदर ही चलती रही है कि डिप्टी सीएम दलित क्यों नहीं, तो आने वाले दिनों के अंदर भी इस गल के उत्ते वड्डी चर्चा होएगी और उस ही परस्पैक्टिव तो उस ही पोलिटिकल समझ चो इस गल नूं देखा जा रहा। यादविंदर हुण इस चीज़ का फ्यूचर की होण जा रहा है भविख विच अगर गल करिए क्योंकि कि हुण तृप्त रजिंदर बाजवा भी इस गल नूं कह रहे कि जे कैप्टन अमरिंदर सिंह चौहान ते ओह भी इंटरफेयर इस चीज़ दे विच कर सकदे है कि ये जिहड़ा मिसअंडरसटैंडिंग कोई भी वो अपने वल्लों बेबुनियाद दस रहे चीज़ां नूं ते हुण की पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ या फिर कैप्टन अमरिंदर की वो इस मसले दे विच पैणगे, इन्हां दे विच जो तलखी होई है या जो खबर आ रही है कि उसनूं सुलझाया जा सकदा है। देखो असल च हुंदा की है हमेशा वड्डे लीडर जिहड़े हुंदे आ इह जिहे मसलियां ते साइलेंट रहिंदे ने, एक पूरी दी पूरी पॉलिसी हुंदी है कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। अगर अज तृप्त बाजवा बोले ने कैप्टन अमरिंदर की सहमति तो बिना बोले होणगे जां कैप्टन अमरिंदर सिंह दे ग्रुप की सहमति तो बिना बोले होणगे जिहा नहीं है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हां नूं उत्थे भेजा सी, इस करके वड्डे लीडर ते साइलेंट रहणगे और कोशिश की जाती है क्योंकि कांग्रेस के इंटरनल मसले ने और कांग्रेस के बारे एक गल मशहूर है कि कांग्रेस के अंदर जिहड़ी अंदरूनी खाना जंगी है उही कांग्रेस नूं हराउंदी है। 2012 दीआं चोणां च असीं इह देखिआ सी, इस करके अंदरूनी खाना जंगी नूं किवें खत्म करना हुण पहली प्लैनिंग इह होएगी और इस विवाद इह विवाद मीडिया च घटे इह विवाद दे उत्ते कोई स्टेटमेंटां वड्डे लीडर ना देण इसे गल दी पॉलिसी लैके कांग्रेस दे लीडर चल रहे ने। तुसीं देख सकदे हो कल तो बाद कोई भी एक सियासी स्टेटमेंट किसी लीडर की नहीं आई और अज तृप्त बाजवा ने आके एक क्लीयर किया कि नहीं वो दलतों के नाल ने कोई दलित विरोधी नहीं, वह ना ही उन्होंने चन्नी नूं इह कहा और वह कांग्रेस के अंदर टकसाली कांग्रेसी ने भी एक मैसेज आ दिल्ली नूं देण नूं कि तृप्त बाजवा उस सियासत के नाल किन्ने दहाकियां तो खड़े रहे ने और वह सियासत हमेशा दलतों के पक्ष गल करती रही। ये गल भी तृप्त बाजवा ने कितना कितने संकेत दिता, तो हुण इस मसले नूं किते ना किते कैप्टन अमरिंदर सिंह तो लैके तमाम लोग वह डीरेल करन दी कोशिश करनगे। देखते हैं कि जिहड़ा दूजा धड़ा गा जिहड़ा चन्नी वाला धड़ा जां जिहड़ा दलित पॉलिटिक्स का धड़ा वो इहनूं किस रूप के अंदर अगे लैके जांदा क्योंकि जिहड़ी मैं गल बार बार कह रहा कि 2022 की सियासत बड़ी इंपॉर्टेंट आ, ये सारिया घटनावां दे वाया ही 2022 कांग्रेस ने जाना ते उत्थे दलतों की प्रतिनिधता का मसला ते दलतों की लीडरशिप का मसला ते दलतों च वड्डा लीडर बनन की लड़ाई भी इसे सारी पॉलिटिक्स पई आ। देखते हैं हुण अगे कैप्टन अमरिंदर सिंह ते कुछ बोलणगे जां जिहड़े सुनील जाखड़ कुछ बोलदे आ जां नहीं बोलदे।
जी धन्यवाद तुहाडा यादविंदर इस पूरी खबर से सानू जानकारी देने वास्ते। ते वाकई ही अपने आप दे विच वेखण वाली गल होवेगी कि हुण अगला की टारगेट हुंदा है पंजाब कांग्रेस की, अपने अंदरूनी मसलियां नू सुलझांदी है या फिर इसते कोई बयानबाजी अगे भखदी है, ये वेखण वाली गल होगी। पर बहरहाल फिलहाल तो कैप्टन जिहड़े कैबिनेट मंत्री ने तृप्त रजिंदर बाजवा उन्हां वल्लों अपने उत्ते लगे इल्जामां तों नकार दिता गया है, उन्होंने बिल्कुल सिरे तो इस चीज़ को खारिज कर दिता गया है कि उन्होंने किसी तरह का भी कोई डराउण धमकाउण का नहीं उन्होंने कोई काम किया। और नाल ही उन्होंने कहा है कि जोगिंदर पाल जिहड़े ने जिन्हां वल्लों एक गल कही गई सी साडे नाल न्यूज़ 18 दे नाल गल करदे आं कि गुरदास जोगिंदर पाल वल्लों एक गल कही गई सी कि कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर बाजवा वालों चन्नी नूं धमकाया गया है और मीटिंग दे विच धमकी दित्ती गई सी कि वह चुप रहे नहीं तो उन्होंने केस भी जिहड़े ने उभार दिते जाणगे और उस चीज़ नूं भी उस सिरे तो खारिज करदे ने। मैं दोपहर नूं चरणजीत चन्नी जी मेरे बड़े भरा ने हुण कल मैं पुज्जा, उन्हें मैनूं गल दसी है भी साढ़े पांच तीन चार दिन पहले पांच सात असी मिनिस्टर प्लस एक्साइज महकमे का साडा जिहड़ा चीफ सैकटरी है उन्हां नाल गल चलती पई, उत्थे बड़ा उची बोलिया अहीं उन्हूं पुछया भी जिहड़ा एक्साइज महकमा साडा ये घाटे च क्यों जा रहा है, तो यह गल पुछनी जे मंत्री नहीं पुछणगे तो कौन पुछेगा, ये गल पुछी है तो साडे ओह मंत्री जे दलित भरा है उन्हूं धमकी दित्ती गई है ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਚੰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ 10 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। 9 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਨੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੀਐਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਲਕਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਏਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਬਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਡਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਦਾਬਾ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਏਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ
ऐसी जी कोई गल नहीं, मैं कदे भी नहीं यहोजा को उन्होंने गल की उन्होंने शान के खिलाफ ज उन्होंने डराने की गल यह कोई गल नहीं हैगी। जे फिर भी कोई गल किसी सुनील जाखड़ जी साढ़े प्रधान ने सू दो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पंजाब कांग्रेस दे विच सब कुछ ठीक नहीं है। पहला अधिकारी वर्सेस मंत्री होंगे है, हुण मंत्री वर्सेस ही मंत्री दी एक तस्वीर वेखी जा सकती है। और सब तो पहला इस दे नाल तुहानू इह भी दस दईए कि चंडीगढ़ दे विच जिहड़े दलित विधायक ने उन्होंने एक सुर दे विच डटे हुए ने और चाहते ने मंग कर रहे ने कि उन्होंने नाल जो हर बार वितकरा हुंदा है उस ते एक विराम लगाया जाए, एक पॉज लगा दिता जाए। और इस दौरान ही मीडिया के मुखातब होकर तृप्त रजिंदर बाजवा अपने उत्ते लगे सारे इल्जामों नूं नकार दिंदे ने और नाल ही वह कहिंदे ने कि जो कैबिनेट मिनिस्टर चरणजीत चन्नी ने वह मेरे बहुत वधिया साथी ने। इस नाल ही कांग्रेस दे विच दलित भाईचारे का एक वड्डा योगदान रहा है। अपने आप नूं वो मंझे हुए सियासतदान दसदे ने कि कांग्रेस दे विच वो कई सालों तो ने और दलित भाईचारे के नाल ही कांग्रेस का दबदबा कायम है। लॉकडाउन की सब तो इमोशनल तस्वीर, ट्रॉली बैग ते बच्चे नू खिंच रही मां, पैदल चलते चलते थक गया सी बच्चा और सोशल मीडिया ते एक तस्वीर है जो कि खूब वायरल हो रही है। तुहानू भी तस्वीर विखाउण जा रहे हैं। सब तो इमोशनल तस्वीर इसनू इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि प्रवासी मजदूर बहुत तादाद दे विच वापस अपने घर दे वल हिजरत कर रहे हैं। तस्वीर तुसीं साफ तौर पर देख सकते हो वो मां जो कि एक ममता दे विच है अपने बच्चे वास्ते, वो उसका बच्चा चलता चलता थक चुकिया है, उसनू चुक नहीं सकती ते उसनू ट्रॉली बैग ते ही वो खिंच रही है और इस तरह वो मेहनत भी कर रही है, अपना सफर भी कट रही है ते नाल ही अपने बच्चे नू किसे ना किसे तरह एक सुरक्षित एक किसे तरह उसनू आराम देने की कोशिश कर रही है। तस्वीर तुहानू दस दिए कि खूब वायरल हो रही है घटना। ये जिहड़ी तस्वीर है आगरा के नेड़े की दसी जा रही है, जिहड़ी वीडियो है और तस्वीरां दे विच पंजाब तो ये जिहड़े प्रवासी ने ये दावा किया जा रहा है कि जिहड़े प्रवासी ने ये पंजाब तो तुरे हुए सन और आगरा के नेड़े ये वीडियो जिहड़ी है बनी सी और पैदल ही यूपी के झांसी वल ये लोग वध रहे सन। बहुत अजिहे प्रवासी मजदूर ने जो बिहार और यूपी वल हिजरत कर रहे ने, वाकई ही दिल नूं झंझोर के रख देने वाली यह तस्वीर है जिस दे विच मां नहीं देख सकती कि उसका बच्चा थकिया होया है। वो अपने उत्ते कष्ट ले लूगी, अपने आप नूं थका लूगी पर अपने बच्चे नूं किसी तरह आराम देने की कोशिश कर रही है। उसका बच्चा लगातार ट्रॉली बैग के सहारे लटकिया होया है और मां जिहड़ी है उसनूं खिंच रही है। अपने आप दे विच बहुत ही दिल नूं छू जाण वालियां तस्वीरां जिहड़ियां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। और एक कहानी नहीं है, एक कई मावां की कहानी है, कई वो पिता की भी कहानी है जो अपने बच्चों नूं अपने मोढ़ियां ते लद के बैगां ते सहारे घरां वल नूं जा रहे ने, भुखे प्यासे किसी ना किसी तरह घरां वल दा रुख कर रहे ने। ते अगली वड्डी खबर बठिंडा तो आ रही है। बठिंडा दे विच प्रवासी मजदूरां दी घर वापसी जिहड़ी है लगातार जारी है। बठिंडा स्टेशन तो बिहार दे लई एक ट्रेन रवाना हुई है और मजदूर स्पेशल ट्रेन तो 1517 प्रवासी जिहड़े ने ओह रवाना हो गए ने। ते बीते दिन भी असीं तुहानू खबर विखाई सीगी कि बठिंडा दे विच जिहड़े प्रवासी मजदूर है एक दिन पहला ही उन्हां दा जमावड़ा जिहड़ा है शुरू हो गया सीगा, रेलवे स्टेशन दे इर्द गिर्द इकट्ठे होने शुरू हो गए सी। बहरहाल उन्हां नू हुण वापसी वास्ते उन्हां दी एक ट्रेन जिहड़ी है वो चल चुकी है और इस बठिंडा स्टेशन तो बिहार दे लई ये ट्रेन जिहड़ी है रवाना हो चुकी है और मजदूर स्पेशल ट्रेन दे विच 1517 जिहड़े प्रवासी ने उन्हां नू रवाना कर दिता गया है। ते एक सुकून वाली खबर भी है वो लोगों वास्ते, वो प्रवासियों वास्ते जिहड़े दर दर भटक रहे सन, जिन्हों घरां चों भी किराए के कमरियां चों भी बाहर कढ़ दिता सी, भुखे प्यासे ना रुजगार ना घर ना जेब दे विच पैसा ना खाण नूं रोटी, ते हुण आखिरकार वो भी सुख का साह लै रहे ने कि उन्हां नूं उन्हां दे घर वास्ते रवाना कर दिता गया। ते बठिंडा तों इह जिहड़ियां तस्वीरां ने सामने आईआं ने। फिलहाल इस बुलेटिन विच इन्ना ही, मैनूं दवो इजाजत, धन्नवाद।